नमस्कार, एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी अपनी परेशानियों को हमें तक बता रहे थे। हमें लगता है भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उनके इन परेशानियों का निदान हो जाएगा। इस बार जो व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चंस पूछा गया है वो कहीं न कहीं भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इसका निदान है। उन समस्याओं का जानकारी देंगे कि वो जो समस्या आपके जीवन में चल रही है उसका क्या कारण है। हमारे साथ हैं आचार्य शिशिर पाठक जी। केतु को समझना बड़ा आवश्यक है। केतु की जो साइकोलॉजी है, केतु क्यों किस तरीके से काम करता है। केतु हमारी कुंडली में जहाँ पे भी स्थित है, जिस भी घर में स्थित है, उस घर से संबंधित जो सुख हैं वो हमें पिछले जन्मों में भरपूर मिल चुके हैं। सैचुरेशन पॉइंट तक हम लोगों ने उस पर्टिकुलर सुख का भोग किया है। और केतु का कहना है कि जब आप पिछले जन्मों में उस चीज़ को ऑप्टिमम लेवल तक फील कर चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, तो अब आपको इस जन्म में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, अब आपको उन चीज़ों से डिप्राइव किया जाएगा। इसीलिए आपके कुंडली में केतु जहाँ भी होगा वहाँ उन चीज़ों से आपको परेशानी या कमी महसूस होने लगेगी। एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं, 1 से 12 जो भाव होते हैं उनमें केतु क्या क्या कर सकता है। केतु जिन लोगों के पहले घर में लग्न में स्थित है उन्हें एक डिटैचमेंट का भाव हमेशा रहेगा, संसार से विरक्ति का भाव, और शरीर का भी वो घर है तो थोड़ा शारीरिक परेशानियां भी रह सकती हैं। दूसरा घर धन का है, तो केतु अगर आपके सेकंड हाउस में है तो आपको एक एक पैसे के लिए वो तरसाता रहेगा, आपका बैंक बैलेंस जीरो करके रखेगा। तीसरे घर में है छोटे भाई बहन के घर में, तो छोटे भाई बहन का सुख नहीं होगा, या तो आपके छोटे भाई बहन होंगे नहीं, अगर होंगे तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, या फिर अगर जीवित हैं तो उन्हें बहुत तरह के कष्ट का सामना करना पड़ेगा, या उनसे सपोर्ट तो आपको किसी तरीके से मिलने नहीं वाला है। चौथा घर मातृ भाव है, माता का सुख अल्प कर देगा। सुख स्थान भी है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, ये सब चीज़ों की सुख का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। पांचवा घर संतान और शिक्षा का है, तो संतान प्राप्ति में विलंब, संतान प्राप्ति न होना, और हायर एजुकेशन में कंप्लीट नहीं करने देना हायर एजुकेशन को, ये सारी चीज़ें केतु करेगा। छठा घर मामा का है और कंपटीशन का है, तो आपको नॉन कॉम्पिटिटिव बना देगा, मामा से कोई सुख प्राप्ति नहीं होगी। सातवां घर पार्टनर का है, पति या पत्नी का, तो उस तरफ आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी अगर केतु वहाँ स्थित है। आठवां घर पति या पत्नी से सुख के स्थान का है, और इन लॉज का है, कॉमन सेंस का है, लाइफ स्टाइल का है, तो इन सारी बातों को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है। नौवां घर धर्म का है, अगर केतु धर्म के स्थान में स्थित है तो आपको धार्मिक प्रक्रियाओं में अरुचि कर देगा। दसवां घर पिता का है, पिता से सुख को कम कर देगा। ग्यारहवां घर लाभ स्थान है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलेंगी जितनी की मिलनी चाहिए। और बारहवां घर नींद का है, तो आपको नींद से संबंधित बीमारी, नींद से संबंधित कमी को केतु कर सकता है। तो ये है केतु का मोड ऑफ वर्किंग और किस तरीके से केतु काम करता है और क्यों ऐसा काम करता है। हमें उम्मीद है कि बहुत ही सरल भाषा में आचार्य शिशिर पाठक जी आपके सवालों का जवाब दिया है, और साथ ही साथ केतु से जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी बताए हैं। अगली श्रृंखला में हम बताएंगे कि केतु को शांत करने के क्या उपाय होते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर ये पसंद आ रहा है तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जब आप शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप सत्कर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके करीबी केतु ग्रह से पीड़ित होंगे, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए आप सत्कर्म कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम केतु ग्रह से होने वाले परेशानी का उपाय बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।